हमीरपुर जिला में कर्फ्यू के दूसरे दिन सुबह 7 से 10 बजे के बीच में सामान खरीदने के लिए दी गई रियायत पर लोगों ने जमकर खरीदारी की है। सुबह 7 बजे जैसे ही करियाना सब्जी की दुकानें खुली तो लोगों ने दुकानों पर पहुंचकर सामान खरीदा है। हालांकि दुकानों में भी कोरोना वायरस के बचाव को लेकर 1 मीटर की दूरी बनाने के पोस्टर चस्पाकर लोगों को जागरूक किया गया। कर्फ्यू के पहले दिन प्रशासन की ओर से जरूरी सामान आसानी से मिलने पर लोगों ने भी खुशी जाहिर की है और कोरोना वायरस को भगाने के लिए सहयोग देने की बात कही है। वहीं हमीरपुर बाजार में निर्धारित 10 बजने के तुरंत बाद ही दुकानदारों ने कर्फ्यू का पालन करते हुए समय पर अपनी दुकानें भी बंद कर ली। स्थानीय निवासी अनूप प्राशर का कहना है कि प्रशासन के द्वारा सुबह 7 से 10 बजे का समय दिए जाना बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होकर घरों से केवल एक ही व्यक्ति को सामान लाने आना चाहिए। प्रशासन ने ये जो 7 से 10 बजे तक का जो टाइम दिया है सामान खरीदने के लिए, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और मेरी सारे लोगों से गुजारिश है कि घर से एक ही व्यक्ति जो है वो बाहर निकले सामान लाने के लिए, भीड़ ना बढ़ाएं बाजार में, क्योंकि कोरोना इतने बुरे हाल से फैल रहा है। आपने देखा ही होगा पिछले दिन अमेरिका में 11,000 लोग जो है वो संक्रमित पाए गए हैं और इटली में 5400 लोग जो हैं वो संक्रमित हुए हैं। तो जिस तरह से ये तादाद बढ़ रही है तो मेरा तो सभी लोगों से यही गुजारिश है कि जितना एहतियात बरत सकते हैं उतना बरतें, घरों में ही रहें और अगर घर से सामान खरीदने के लिए अगर निकलना है तो एक ही व्यक्ति जो है वो बाहर आए। वहीं युवा अनिल मनकोटिया ने लोगों को कर्फ्यू के समय देने पर जिला प्रशासन का आभार जताया और कहा कि प्रशासन को चाहिए कि मेडिकल सुविधा भी पूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें भी जागरूक करने के लिए हर वार्ड में जाकर समझाना चाहिए। लोगों को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के लिए जो टाइम दिया वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, तो जैसे सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए जो है वो घर तक पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिए वार्ड स्तर पर। और उसके अलावा बहुत सारे लोग जो पैनिक में हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके बारे में भी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग जो टीम्स हैं विद एसेंशियल जो एक मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ जो हैं वो भी लगातार लोगों तक पहुँचनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत गलत फहमियाँ हैं, तो उसको लेकर भी लगातार प्रशासन की तरफ से एक अवेयरनेस जो है वो लगातार करवानी चाहिए। चाहे वो पंचायतों के अंदर जैसे लोग रहते हैं पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर और वार्ड स्तर तक जो है लोगों को, ताकि एक पैनिक क्रिएट ना हो और इसमें सभी लोगों को सरकार के साथ प्रशासन के साथ जो है सहयोग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं सब्जी खरीद रही एक महिला ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान सब्जी और बाकी खाने पीने का सामान मिल रहा है और आज पहला दिन होने पर पूरा सामान मिला है। उन्होंने बताया कि प्रशासन का अच्छा कदम है और जनता को भी किसी चीज की इससे कमी नहीं हुई है। कर्फ्यू है? नहीं, कर्फ्यू है पर ये जरूरी चीजें हैं जो कि चाहिए ही, क्योंकि चलो जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है उसके लिए तो चलो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर 31 तक भी लगता है या उसके आगे भी, पर जो इससे नीचे हैं उनके लिए जरूरी जो जरूरी चीज़ें हैं उनके लिए तो थोड़ा ये जो टाइम है ये हो सकता है कि 3 घंटे की बजाय आप 2 घंटे कर दो या 1 घंटे कर दो, पर ये अच्छा कदम है कि जरूरी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म ना हो। आज पहला दिन है कर्फ्यू का, आप सामान लेने पहुंचे थे, आपको जो नीड थी वो मिल पाया सारा सामान? हाँ जी, हाँ जी, अभी तक तो मिल पाया, अब आगे देखते हैं। मिन्हास ने बताया कि कर्फ्यू के दौरान प्रशासन सुविधा दे रहा है वह काबिले तारीफ है। उन्होंने बताया कि जरूरी चीज़ों के लिए दुकानें खोलने के लिए प्रशासन की पहल बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने मांग की है जिला में अकेले रह रहे बुजुर्गों को भी राशन घर द्वार पर दिया जाए। मैं सबसे पहले हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने कोरोना वायरस को लेकर इस बात को सीरियसली लिया है और जो 144 धारा है उसको लगाई गई है, साथ में लोगों को समय समय पर सरकार ने जागरूक किया है और जो जनता कर्फ्यू या और भी कई प्रकार के सरकार ने फैसले लिए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। और साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन है 7 से 10 बजे तक लोगों को जो जरूरी चीज़ें हैं जैसे सब्जी हुई, मेडिकल स्टोर या राशन, उनके लिए टाइम बाउंड रखा गया है। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग घर में
छोटे बच्चे या बूढ़े जिनके बेटे बाहर विदेशों में रह रहे हैं उनका घर पे ही राशन पहुँचाने का प्रावधान करें, क्योंकि उनका जो भी सहारा था वो विदेशों में है, अब वो अकेले कैसे मार्केट में जा पाएंगे, क्योंकि कर्फ्यू के कारण या जो एडमिनिस्ट्रेशन ने पाबंदी लगाई है उनके कारण। धन्यवाद।